इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द रिसर्च सेंटर्स, देन ही स्टेटेड इन विच स्टेट, कौन सा रिसर्च सेंटर कौन से स्टेट में है, ये देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। देन सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, कटक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट, काफ़ी बार पेपर रिपीट हो चुके हैं, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर। देन सेंट्रल पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला एंड पटना, शिमला हिमाचल, पटना बिहार, दोनों ही राजधानी है जी। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजा मुंद्रे, ये भी इम्पोर्टेंट है जी। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। देखो जी, पोटैटो इंस्टीट्यूट, टोबैको इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तीनों काफ़ी बार पेपर च रिपीट हो चुके हैं जी। नेक्स्ट इज नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गम्स, रांची। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद, इम्पोर्टेंट है जी। नेक्स्ट इज सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई, ये भी काफ़ी बार पेपर से रिपीट हो चुका है जी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पटना। देखो जी, ये क्लैश हो गया जी, दोवों का ध्यान रखना, एक काउंसिल है, वो इंस्टीट्यूट है, एक दिल्ली च, एक पटना च, ध्यान च रखना जी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, पुणे एंड दिल्ली। नेक्स्ट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इम्पोर्टेंट है जी, बेंगलुरु। सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चंडीगढ़। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर। नेशनल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनानगर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियन म्यूजियम, कोलकाता जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, काफ़ी बार पेपर से रिपीट हो चुके हैं। सेंट्रल जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बर्धवान, कोलकाता। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केरला। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज न्यू दिल्ली। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, बेंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज दोना पौला, गोवा। नेशनल नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज देहरादून, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, काफ़ी बार पेपर से रिपीट हो चुके हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। सेंट्रल रोड इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, इंपॉर्टेंट है जी। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, गुलमार्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इम्पॉर्टेंट है जी। नेशनल सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, इम्पॉर्टेंट है जी। सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर, इम्पॉर्टेंट है जी। सेंट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, काराकुड़ी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, कोलकाता, इम्पोर्टेंट है जी, ये भी काफ़ी बार पेपर से रिपीट होया जी। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इम्पोर्टेंट है जी, लखनऊ। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर। सेंट्रल सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज हैदराबाद। थैंक यू जी।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਭਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਇਸਰੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੈਂਗਲੋਰ, ਦੈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।